हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों का इस प्रॉब्लम सॉल्व चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को दिया गया है एक फंक्शन का कोस एक्स क्यूब है, दूसरा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग का प्रोडक्ट के फॉर्म है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कोस एक्स को क्या करेंगे, कोस एक्स क्यूब को बाहर लिखेंगे। ये हम लोग का यूवी के फॉर्म में है, इस तरीके से कर सकते हैं। यूवी रहते तो हम लोग इसको क्या करते, इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में यू को बाहर निकालते हैं, वी का डिफरेंशिएशन होता है, प्लस साइन होता है बीच में, फिर वी को बाहर निकालेंगे, यू का डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं। इसमें भी वही करेंगे उसी के फॉर्म में। तो चलिए क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर यहाँ पे x के पावर 5, फिर क्या होगा यहाँ पे प्लस साइन, अब क्या होगा साइन स्क्वायर और यहाँ पे x के पावर 5 और डिफरेंशिएट किसका होगा, कोस x क्यूब का, उसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, सबसे पहले कोस x क्यूब। अब इसमें ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये हम लोग का किसके फॉर्म में, इस टाइप के फॉर्म में x के पावर n, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, n पहले सामने आएगा फिर x के पावर में n माइनस 1 हो जाता है, एक का एक माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पहले 2 सामने आएगा, फिर क्या होगा यहाँ पे साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x के साइन x के पावर कितना है, सॉरी हाँ साइन x के पावर 5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 है तो 1 माइनस करके तो 1 बचेगा, तो नहीं लिख रहे। अब किसका डिफरेंशिएट होगा यहाँ पे देखिए एक्स के पावर, अब इसका तो हो गया, अब साइन इसका होगा, मैं यहां पे लिख ही देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, साइन एक्स के पावर 5 इसका क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, मैं आपको लिख देता हूं। इसका पहले हम लोगों ने इसका पावर का क्या, पावर क्या सामने आया, फिर साइन एक्स और ये आया, अब किसका करेंगे, जो अंदर में इसका बच गया है उसका डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहां पर देखेंगे प्लस साइन, यहां पर क्या हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर यहाँ पे एक्स के पावर 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस क्यूब एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोस का क्या होता है, कोस का हम लोग जानते हैं साइन होता है माइनस साइन, कोस का क्या होता है माइनस साइन होता है, तो चलिए देखते हैं कोस का क्या हो जाएगा, हम लोग का कोस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स क्यूब का करेंगे डिफरेंशिएट, तो कितना आ जाएगा हम लोग का 3 एक्स के पावर 2, एक कम हो जाएगा इस तरीके से, क्या करेंगे 3 क्या आएगा सामने, एक्स के पावर 3 माइनस 1 कितना आ गया 3 एक्स के पावर 2। अब यहां पे देखेंगे कोस एक्स क्यूब इंटू 2, यहां पे क्या आ जाएगा साइन एक्स के पावर 5, अब साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का हो जाएगा कोस एक्स के पावर 5, अब यहां पे एक्स के पावर 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, ध्यान से देखेंगे 5 सामने आएगा, एक्स के पावर में 1 माइनस हो जाएगा, तो 5 में 1 माइनस करेंगे 4 ये आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे इसका क्या होगा, ध्यान से देखेंगे इसको हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख ही देता हूं मैं, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर कितना 5, एक्स के पावर 5, और यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, इसको आप अरेंज भी करके लिख सकते हैं, इसको अरेंज करके लिख देते हैं, क्या करते हैं इसको पहले लिख लेते हैं 5x के पावर 4, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 टू 10 कर देते हैं, 2 छूट रहा है ना, 2 5 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x के पावर 4, फिर इसको लिख देते हम लोग इंटू यहाँ पे कोस एक्स क्यूब साइन एक्स के पावर 5, और क्या बच रहा है यहाँ पे कोस एक्स के पावर 5 हो गया। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, और यहाँ पे इंटू साइन एक्स के क्यूब, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका हम लोग ने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया।
आपको सबसे पहले फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला इसको याद करने, ताकि आपसे क्या हो, इजीली बन जाए, कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना है। उसके बाद हम लोग को कुछ कुछ रूल्स पढ़े थे, हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, चेन रूल पढ़ा है हमने, फिर और कौन सा क्वेश्चन रूल पढ़ा हम लोग। इन सबको आपको याद रखना है कि कैसे करना है, उसके बाद में आपको ये सब क्वेश्चन इजिली बन जाएगा। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।